ले फड़। हुन कुछ दिन यही तेरा सारा। अभी जदों तक नीलम का पैर ठीक नहीं हो जाता अनिका तुसी संभालो। किटी शिवराज ने मामा जी ये सब की है? तुसी दोनों ने अपना हाल की बनाया है। कार नाल एक्सीडेंट होया ये भी नहीं कह सकती क्योंकि कार तो ठीक है। कोई होर झूठ ही बोलना पड़ेगा। की गल है तुसी चुप क्यों हो? असी घर दी सुख शांति लई मंदिर गए सी। वो तो ठीक है पर सट्टा कितना लगी है? दिवांश जवाब दिते बिना नहीं छड़ेगा सानू। आज भी उन्हें मेरी फिकर है पर सच तो मैं इन्हें दस ही नहीं सकती। की होया मम्मा चुप क्यों? जवाब तो दो। एक्चुअली असी पहाड़ी वाली माता दे मंदिर मत्था टेकन गए सी। अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं डिग गई तो मैनू बचाने के चक्कर च पोंपी नूं भी सट्टां लग गईआं। ओ पहाड़नी बल सी ओ भी खतरनाक वाला। मसा ही बचे हैं असीं दोवें। तीजा बच्चा? ये बच्चा किसका है? दृष्टि कर आ गई है। जिस बच्ची नु असी बाहर लभ रहे सी वो दिवांश नाल इत्थे कितना पहुंच गई? मतलब तेरा बच्चा तेनू लब गया? नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो पंडित जी की दोती है। उन्होंने भी अपनी दोती का नाम दृष्टि रखा है। अनिका का ख्याल भी हुण नैन रखेगी क्योंकि नीलम के पैर से सट लग गई है। आई होप वो छेती ठीक हो जाए। अजे मां नैना देवी ने एक दृष्टि नूं घर भेजा है। हुण थोड़े दिनां चो दूजी दृष्टि नूं भी जरूर घर भेज देना। उस तो बाद ही शुरू होएगी असली खेल। असली खेड असली दृष्टि दे आन दे नाल केड़ी खेड शुरू होएगी? तुसी क्यों डर गए मामा जी? डर? नहीं नहीं मैं कितने डर रहा।
खेड तो मेरा मतलब सी बच्चों का खेड। जो दृष्टि अपने घर च वापिस आ जाएगी उदो सारे माँ प्यो आपो अपने बच्चों के ना रल के खेडया करेंगे। मैं अपने रूम च जाके आराम कर लेनी हूँ। मम्मा तुसी डॉक्टर नु ता दिखाया ना? दवाई भी ले ली है। ठीक है तुसी आराम करो। ये ता मेरी धी दे आउण दी खबर सुन के डर गए। जदों आएगी तो इन्हां दा की बनेगा? मेरी धी रीटा दा काल बन के सरूर आएगी। नयन बच्चों के नाल ते बच्चे नयन के नाल किन्ने खुश लग रहे। काश साडे भी ट्विन साडे नाल होंदे। मैं ते नयन उन्हां नूं भी इतना ही प्यार देंदे। दिवान जी कित्थे खो गए? शान कित्थे तुहाडा? नहीं बोलना। कल घर शुकराने की पूजा है। शुकराने की पूजा? दरअसल बहुत दिनों बाद घर च खुशियां आईया ने। बच्चों की किलकारियां चहक रही ने घर के। मम्मी जी कहते हैं कि जो अजिहा कोई घर च माहौल होंदा है ना सानू परमात्मा का शुकराना जरूर करना चाहिए। बस वो घर के शुकराने की पूजा रखवाइए। कल मैं कल सवेरे हर चीज लावा। दृष्टि तुम्हें रोन क्यों लग गई? अनिका दृष्टि ना, ना ना मेरी बच्ची रोना नहीं है बेटा। ना ना मैं हुणे तुहानू लोरी सुनाना ठीक है? मैम मैनू लोरी सिखाना जिहड़ी तू हमेशा गाया करदी। अज तो मैं भी वो बच्चे लई गाया करांगा। ठीक है। हाँ नीलम। अनिका नु भुख लगी होनी ना इसलिए मैं टॉप फीड लेके आई हाँ। नीलम नहीं दीदी तुहाडी किद्दों हिम्मत हुई मेरी धी नु अपना दुध पियाण दी? जब मैं तुम्हें कहा कि इनू फीड ना कराना फिर तुसी इन्नी टीट ते बेशरम किद्दां हो सकदे हो? सदेव जी चाची जी
ਕਾਲੇ ਨੀਲਮ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਸ 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 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਣ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਲੈ ਕਹਿਣਗੇ ਅਨਿਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਨੀਲਮ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਸਹਿਦੇਵ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਸ ਨੀਲਮ ਬਸ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅਨਿਕਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਨੈਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਅਨਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੋ ਕਮੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਨੈਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਆਈ ਨੋ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨੇਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਗੇ ਨਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਡੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲਾ
फिर तबीयत ठीक है हुन? ही फर्क पैंदा है? जद सब दी आँखा दे सामने मेरी तीन उम्र तो खोन की कोशिश हो रही है होदी ता फिकर किसे नू नहीं है नीलम तो अपने मन चो ना इस जैड नू हमेशा लिए कट दे तेनू पता है ना कि माँ के दुध तो बिना अनिका की तबीयत किन्नी खराब होने लग गई सी नाले डिलीवरी तो बाद तेरी अपनी तबीयत भी तो खराब ही रहती है ना अजिहे विचों सदीव ने फैसला लिता है ना वह तेरे ते तेरी धी दे भलाई वास्ते लिता है जे नैन की थान पर कोई होर औरत होंगी ना तो वह किसी दूजे के बच्चे दुध नहीं पिलाती नीलम बाकी दे बच्चे कितने हो वेखो मेरी अमीर ती अनिका झोले च लेटी हुई है ते उन्हां दी गरीब दृष्टि थल्ले ये नीलम किसे दी बेइज्जती करन दा एक भी मौका नहीं छड़ती नीलम तू इदा क्यों क्या कि अमीर अनिका झूले च ते गरीब दृष्टि जमीन ते क्योंकि यही सच है अनिका मेरी ती है ते दृष्टि पंडित जी दी दोती हुनू ता आदत है थल्ले लेटन दी हुण भी देखो थल्ले किन्नी खुश है मतलब है सानू पंडित जी ने चूला गिफ्ट करना चाहिए ताकि दृष्टि भी चूले च रह सके किट्टी दीदी जे एदा ही तुसी पंडित जी नू फ्री च चीजा वंडन लग गए ना एक दिन उन्होंने तुहाडे प्रॉपर्टी ते कब्जा कर लेना है नीलम मैं की बकवास कर रही है तो लगता है पैसे दी इस चक्का चौने ना तेनू अन्ना बना दिता है इसलिए ना तू रिश्ते की मर्यादा भी भूलती जा रही है ना भूल पंडित गोपाल दास शास्त्री जी साढ़े दादा जी वांग एक मन्ने परमन्ने शास्त्री जी उन्होंने इन्ना माण है जिदा पिंड विच साढ़े दादा जी का है ताकि तू अपने दादा जी बारे भी यही सोचती है इतने गल साढ़े दादू की नहीं हो रही है पंडित जी की हो रही है नाले मैनू गलत ना समझना नयन दीदी पर थोड़े तो ना मैं वध दुनिया देखी है तुसी आप सोचो नहीं तो कोई पराया बंदा जिन्हों तुसी मुश्किल नाल एक अद बार मिले हो ओ बंदा अपनी कली कली दोती नू दस दिन तुहाडे कोल क्यों छड़ के जाएगा मैनू तो यह सारी सोची समझे साजिश लगती है पहला अपने बच्चे नू किसी अमीर घर च दे दो फिर जब ओही बच्चा वड्डा हो जाए तो उसी घर जाकर अपना हिस्सा मंगन लग जाओ